जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में शटर पर रिलीज हुई एक स्लैशर फिल्म क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें टीवी पे एक कमर्शियल दिखाया जाता है जहां एक कंपनी ने एक रोबोट सेंटा लॉन्च किया था ताकि वो बच्चों को खुश कर सके। वो सेंटा 90,000 वर्ड्स जानता था और वो बहुत कुछ कर सकता था, और कंपनी का कहना था कि वो बच्चों को टीच करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर हम टोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शॉप में काम किया करती थी। तब क्रिसमस का दिन था और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और उसकी शॉप में बहुत ज्यादा बिक्री हो रही थी। उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कौन सा म्यूजिक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जाए, तो वो उसे वो म्यूजिक बताती है और उसे सेलेक्ट करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके साथ उस दुकान में रॉबी नाम का बंदा भी काम किया करता था जो कि उसे पसंद करता था और आज वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। जब सभी कस्टमर चले जाते हैं तो वो दोनों दुकान को बंद कर देते हैं और फिर टोरी रॉबी को बताती है कि आज वो डेट पे जाने वाली है। रॉबी उससे पूछता है कि वो किसके साथ डेट पर जाएगी, तो वो उसे बताती है कि उसने टिंडर पे एक म्यूजिशियन को देखा है जो उसे पसंद आया है और वो उसके साथ डेट पर जाएगी। रॉबी उससे कहता है कि ये म्यूजिशियन यहीं पास में रहता है और इसके चार बच्चे हैं, तो उसे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है उसके साथ जाने के लिए। उसे कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ डेट पे चले और वो दोनों खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर टोरी उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि सबसे पहले उन्हें अपनी दोस्त की शॉप में जाना होगा ताकि वो उन्हें क्रिसमस विश कर सके और उसके बाद वो कहीं पर चलेंगे। उसके बाद टोरी और रॉबी उसके दोस्त की शॉप में जाते हैं जहाँ उसका बॉयफ्रेंड और वो एंजॉय कर रहे थे। वो उन्हें क्रिसमस विश करते हैं और उनकी शॉप में वो उस रोबोट सेंटा को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था। उससे पूछते हैं कि आखिर ये रोबोट सेंटा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसे बताते हैं कि उन्होंने उस कंपनी से उसे खरीदा है क्योंकि वो बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन अभी उसकी बैटरी डाउन है तो उन लोगों ने उसे चार्ज पे लगाया हुआ है। उसके बाद टोरी और रॉबी उनको बाय कहते हैं और वहां से वाइन शॉप में जाते हैं ताकि वो वहां पे वाइन पी सके। वहां पे वो न्यूज देखते हैं कि जो रोबोट सेंटा उस कंपनी ने बनाए थे वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कत्ल कर रहे हैं। वो न्यूज देख के उन्हें उस पे विश्वास नहीं होता तो वो टीवी को बंद कर देते हैं, और तभी वहां पे उस शहर का शेरीफ आता है जो कि वाइन लेने आया था। वो टोरी और रॉबी के लिए भी एक शॉट बनवाता है और उनसे कहता है कि आज वो खूब जमकर एंजॉय करेंगे। उन्हें भी कहता है कि आज उसकी ड्यूटी है और उसको कभी भी कोई आराम नहीं मिलता क्योंकि शहर की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वो उन सबको सेफ रहने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद टोरी और रॉबी भी वहां से जाने लगते हैं। तभी हम उस दुकान पे पड़े उस सेंटा को देखते हैं जो कि अब चार्ज हो चुका था और वो बहुत ही अग्रेशन में था, और सबसे पहले वो रोबोट जाके एक एक्स निकालता है। उसके बाद वो टोरी के दोनों दोस्तों के पास जाता है और उस एक्स से उन दोनों को मार डालता है। टोरी और रॉबी जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो उनके चिल्लाने की आवाज भी सुनते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं इसीलिए चिल्ला रहे हैं। वो सेंटा रोबोट बाहर आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है और उसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है। टोरी रॉबी से कहती है कि वो उसके घर चले, वहीं पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो रॉबी अपनी गाड़ी निकालता है और वो दोनों वहां पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम उस सेंटा को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। जब दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं तो टोरी उससे कहती है कि उसका घर बहुत ही छोटा है और यहाँ पे उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी रहते हैं। वो दोनों चुपके से उसके रूम में जाएंगे और वहां पे एंजॉय करेंगे ताकि उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी ना पता चल सके। वो दोनों चुपके से रूम में पहुंचते हैं और वहां पे वीड पीने लगते हैं। तभी हम उस सेंटा को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, और वो उनके पड़ोस के घर में घुस जाता है जहां पे एक बड़ी सी फैमिली रहा करती थी। वो अपने एक्स से उनका दरवाजा तोड़ देता है और अंदर दाखिल हो जाता है, और जब वो बंदा उसे वहां पे देखता है तो वो उससे कहता है कि वो यहां से चला जाए, लेकिन तभी वो अपने एक्स से उस पे वार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी उस बंदे की बेटी ये सब देख लेती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो वहां से भागने लगती है। वो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन वो उसके वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर दाखिल होकर वो उस लड़की को भी जान से मार डालता है। उसके बाद उसका बच्चा जब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो बाहर आता है और वो अपनी माँ को पुकारने लगता है, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर सेंटा नीचे आता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सेंटा है जो कि उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। तभी वो अपने सामने पड़े गिफ्ट्स को खोलने लगता है और उसके अंदर उसे शर्ट मिलती है। तो सेंटा से कहता है कि उसे शर्ट नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। तभी वो सेंटा उस पे वार करता है और उसे जान से मार डालता है। इधर टोरी अपने किचन में आती है पानी पीने के लिए, और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वो सेंटा नजर आता है जो कि उस लड़के को मार रहा था। वो कत्ल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रॉबी को सारी बात बताती है। तो रॉबी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, शायद वो कोई प्रैंक होगा। टोरी उससे कहती है कि उस बच्चे के शरीर के अंदर से खून निकल रहा था और उसे लगता है कि ये कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। टोरी तुरंत अपनी बहन के रूम में जाती है और उसे उठा के कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पे एक कातिल आ गया है जो कि उन्हें जान से मार डालेगा। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड और वो कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो सभी छुप जाते हैं, और तभी वो सेंटा वहां पे आके उनकी लाइट की तार को काट देता है जिससे वहां पे अंधेरा हो जाता है और वो उन्हें ढूंढने लगता है। रॉबी उसे देखने के लिए खिड़की के बाहर देखता है तो वो सेंटा उसके सामने ही आ जाता है, जैसे कि वो नीचे छुप जाता है और वो सेंटा उसे नहीं देख पाता। तभी वो अचानक खिड़की से अंदर आ जाता है और
और रॉबी उससे बचने के लिए भागने लगता है। रॉबी और टोरी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड बाहर ही छूट जाते हैं। वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैंटा उसके सर पे वार कर देता है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद टोरी की बहन के पीछे जाता है और उसे भी जान से मार डालता है। टोरी और रॉबी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और तुरंत कार की ओर जाते हैं ताकि वो दोनों वहां से भाग सके। वो देखते हैं कि वो सैंटा उनके पीछे आ रहा है उन्हें मारने के लिए, तो वो लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी अपने पड़ोसी की गाड़ी से टकरा जाती है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उनका पड़ोसी बाहर आता है और उनपे चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि वो लोग बाहर निकले वरना वो पुलिस को बुलाएगा। वो दोनों उसे कहते हैं कि वो पीछे देखे और जब वो पीछे देखता है तो वो अपने सामने उस सैंटा को खड़ा पाता है जो कि एक एक्स से उसे मार डालता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो उसकी लाश को उनकी गाड़ी के ऊपर फेंकता है जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। तभी वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे बैक लेता है, लेकिन तभी वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है जिससे उनका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। वो सैंटा वहां पे आके लाश को फेंकता है और उसके बाद वो रॉबी के पास आता है और उस पे हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो टोरी के पास जाता है उसे मारने के लिए। तभी वहां पे एक इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि उस सैंटा से कहता है कि वो अपना वेपन ड्रॉप कर दे, लेकिन वो एक रोबोट होता है जिसे उसकी बात समझ नहीं आती। जब वो आगे बढ़ता है तो वो उसे शॉटगन से शूट करता है जिससे वो सैंटा नीचे गिर जाता है। उन दोनों को लगता है कि शायद वो सैंटा मर चुका है और वो टोबी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। टोबी उससे कहती है कि ये रोबोट सैंटा है जो कि बहुत ही ईविल है और उसने उसकी बहन और उसके सारे दोस्तों को मार डाला है। तभी हम बैकग्राउंड में उस सैंटा को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो इंस्पेक्टर फिर से उसे शूट कर देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर बाहर जाता है उसके सर को फोड़ने के लिए, लेकिन तभी वो उसकी गन छीन के उसे ही शूट कर देता है जिससे उस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो टोरी पे गन चलाता है तो टोरी गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उसे बुरी तरह कुचल देती है ताकि उसकी मौत हो जाए। टोरी तुरंत भाग के पुलिस के पास जाती है जहां पुलिस उस पे गन दान देती है और उसे कहती है कि वो उसे बताए कि आखिर वहां पे क्या हुआ है। टोरी जब उन्हें सारी बात बताती है तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो झूठ बोल रही है और वो सैंटा ऐसा नहीं कर सकता। वो टोरी को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं जहां उससे पूछताछ की जाती है और टोरी सिर्फ यही बात कह रही थी कि उस सैंटा ने उसकी बहन और उसके दोस्तों को मारा है। उससे पूछते हैं क्या वो सैंटा मर चुका है, तो वो उसे बताती है कि वो सैंटा आसानी से मरने वाला नहीं है, उसने उनके साथी को भी मार डाला है जो कि यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पे एक एम्बुलेंस के आने की आवाज सुनाई देती है और टोरी उनसे कहती है कि जरूर इसके अंदर वो सैंटा ही होगा जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आया है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। ये देखकर इंस्पेक्टर टोरी को शॉटगन देता है और उससे कहता है कि वो इससे अपनी प्रोटेक्शन करे और शरीफ और वो इंस्पेक्टर बाहर जाते हैं उस सैंटा क्लॉज को मारने के लिए। तभी वो सैंटा एक इंस्पेक्टर की गन छीन लेता है और उसे जान से मार डालता है और फिर वो दूसरे इंस्पेक्टर को भी पकड़ता है और उसे भी स्टैब करके मार डालता है। ये देखकर टोरी बहुत घबरा जाती है और गन लेकर वहीं पे छुप जाती है और तभी वो सैंटा वहां की लाइट ऑफ कर देता है और उसके बाद अंदर जाता है उसे ढूंढने के लिए। टोरी एक डेस्क के नीचे छुपी हुई होती है और वो समझ जाता है कि जरूर वो डेस्क के नीचे छुपी है, इसीलिए वो एक एक करके सारी डेस्क को फेंकने लगता है। जब टोरी की डेस्क फेंकता है तो टोरी उसे शूट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो उसकी गन छीन लेता है और उसे फेंक देता है। तभी टोरी उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह में जो लाइट थी वो बंद हो गई है, मानो कि अब उसकी बैटरी लो हो गई है और वो मर गया है। टोरी ये देखकर बाहर एम्बुलेंस की ओर जाती है ताकि वो उसे स्टार्ट करके वहां से भाग सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सैंटा क्लॉज की लाइट जल गई है। वो तुरंत उठता है और वो टोरी का पीछा करने लगता है और टोरी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है और तभी वो सैंटा क्लॉज एम्बुलेंस के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि वो उसके साथ जा सके। वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो जाता है और टोरी उसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो मर क्यों नहीं रहा। तभी वो जोर से ब्रेक मारती है जिससे कि वो आगे के रास्ते से बाहर निकल जाता है और फिर टोरी उसके ऊपर एक कार गिरा देती है ताकि उसके बाहर से वो दब जाए और वहां से बाहर ना निकल सके। वो सैंटा क्लॉज अब भी हार नहीं मान रहा होता है और वो उस गाड़ी को हटाने लगता है, लेकिन तभी टोरी उस पर दूसरी गाड़ी चढ़ा देती है ताकि वो वहां से बाहर ना निकल सके। उसके बाद टोरी उस गाड़ी की डिक्की खोलती है और उसके अंदर आग लगा देती है जिससे वो गाड़ी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो सैंटा क्लॉज भी मर गया है। वो पास ही एक शॉप में घुस जाती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैंटा क्लॉज का एक हाथ कट चुका है लेकिन अब भी उसके अंदर जान बाकी है तो वो उठ जाता है। वो शॉप के अंदर घुस जाता है टोरी को ढूंढने के लिए और टोरी उससे डर के मारे छुप जाती है। तभी टोरी को वहां पे एक तलवार मिलती है तो वो उसे निकाल लेती है और वो सैंटा क्लॉज जब उसे ढूंढ के उस पे हमला करने के लिए जाता है तो उस तलवार से उसे स्टैब कर देती है जिससे उसे करंट लग जाता है। जब वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो सैंटा क्लॉज अब भी जिंदा है जो कि तलवार को अपने पेट से निकाल के फेंक देता है और उसके बाद वो टोरी के पीछे जाता है उसे मारने के लिए। तभी टोरी एक चीज जलाती है और उसे सेंसर के पास कर देती है जिससे कि वहां पे पानी छिड़कने लगता है जो कि जब उस सैंटा क्लॉज के शरीर पे गिरता है तो उसे करंट लगने लगता है, लेकिन फिर वो सैंटा नहीं रुकता और वो टोरी के पैर पे मारता है जिससे उसका पैर कट जाता है और उसके बाद वो उसकी उंगलियों पे मारता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं।
उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो रेंगने लगता है, और रेंगते हुए वो टोरी को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी टोरी इलेक्ट्रिक वायर निकालती है और उसके पेट में घुसा देती है, जिससे कि वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और जख्मी हालत में टोरी बाहर निकलती है और रोड पे लेट के वो जोर से चिल्लाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रिसमस ब्लडी क्रिसमस की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसमें रोबोट सांता किलर दिखाया गया है जो कि बहुत ही खतरनाक था। टोरी ने उसे मारने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो मरने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार उड़ जा रहा था और उसका पीछा करे जा रहा था, लेकिन आखिरी में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।